फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई बंदिशों का ऐलान किया है। यहां ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है, यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट जारी हो गया है, जिसके तहत कई पाबंदियां होंगी। ग्रैप के तहत जो प्रतिबंध लगते हैं उनका असर स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ साथ जिम, बैंक्वेट हॉल पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने पर क्या क्या होगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा। ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। साथ ही बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। होटल खुले रहेंगे। होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, सलून और ब्यूटी पार्लर यहाँ खुले रहेंगे। स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क्स को बंद रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति यहां नहीं दी जाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे। बता दें कि पब्लिक पार्क्स खुले रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। साथ ही सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके हिसाब से भी प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया है। संक्रमण दर 1% से ज्यादा होने पर लेवल 2 यानी एम्बर अलर्ट, 2% से ज्यादा होने पर लेवल 3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5% से ज्यादा होने पर लेवल 4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। देश भर में ओमिक्रॉन के 650 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 165 से ज्यादा मामले अकेले दिल्ली में ही हैं। इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट का फैसला किया है। ऐसी और खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ तक पर।